लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 64,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों ने किया बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, जौलीबाग स्थित घर का घेराव किया गया है, अभ्यर्थियों ने आवास के अंदर घुसने की कोशिश की, वहीं पुलिस बल ने लोगों को आवास में जाने से रोक दिया है। शिक्षा मंत्री आवास पर नहीं थे मौजूद, जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई है शिक्षा मंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, तो लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर लिया है, जहां पर जौलीबाग स्थित घर का घेराव अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है, अभ्यर्थियों ने आवास के अंदर घुसने की कोशिश की है, वहीं पुलिस ने अभ्यर्थियों को ऐसा करने से रोक दिया है। वहीं हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जाराट कोतवाली की चरखारी रोड पुलिस चौकी पहुंचे एसपी, पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के लिए एसपी पहुंचे हुए। आपको बता दें कि एसपी ने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है, एसपी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके नए भवन का उद्घाटन किया है। क्षेत्राधिकारी राज प्रभारी निरीक्षक मौके पर मौजूद दिखाई दिए। तो हमीरपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, उद्घाटन के वक्त की तस्वीरें हैं। राज कोतवाली की चरखारी रोड पुलिस चौकी पहुंचे हुए थे एसपी, जहां पर पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। एसपी ने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, विधि विधान के साथ ये उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर एसपी मौजूद दिखाई दिए हैं। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, क्षेत्राधिकारी राज प्रभारी निरीक्षक भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे।